तो यार आ चुके कुछ वीडियो के साथ में वापस। जैसा कि आप लोगों को पता, फिलहाल पबजी मोबाइल में नया सीजन तो आ चुका है, लेकिन उसके साथ आज बंदे रैंक पुश में लगे हुए, और रैंक पुश करते समय आपके लास्ट सर्कल में इतने बंदे बचते हैं कि आपका सर्वाइव करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ पर आप मरते मरते भी कई बार बच जाते हो। ये वाले गेम में मेरे साथ कुछ ऐसे सीन होने वाला है, क्योंकि लास्ट के सर्कल में इतने बंदे बचे हुए थे और रैंक पुश कर रहे थे सभी बंदे, और मैं वहाँ पर अकेला और सामने वाले बंदे दो, वो भी MK14+ भाई एस्ट्रल के लेकर। क्या मैं वहाँ पर सर्वाइव कर पाऊंगा वो तो आपको वीडियो को देखकर पता चलेगा। फिलहाल मैं उतरा था यहाँ पे स्पोर्ट में, यहाँ पे मैं छोटी मोटी लूट कर रहा था, तभी मेरे को लेफ्ट साइड से गन के साउंड आते हैं, तो मैं सीधा बंदे पुश कर देता हूँ। यहाँ पे आते दो बंदे कैंप कर रहे थे, और ये वाले 1v2 के लिए भाई आप लोग बताना कमेंट में किस किस को अच्छा लगा। फिलहाल देखने वाले बंदे को निपटाते हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल वो वाला बंदा तो नीचे को जाता, लेकिन वो आ रहा था ऊपर अपने टीममेट के साथ, और दोनों बंदे एक साथ रश करते तो क्या पता मेरे को मार देते, लेकिन देखना निपटाएंगे इस वाले बंदे को। फिलहाल और ये वाले सीन के लिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई अभी जब वीडियो को लाइक करो, और आगे इससे भयंकर आपको क्लस देखने को मिलने वाले। फिलहाल वहां से लूट करने के बाद मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पर, और यहाँ पे तो मेरे को लेफ्ट में एक बंदा दिखता है, क्योंकि तो ऑफलाइन था तभी एक गाड़ी वाला बंदा आता है, उसके पास एस्ट्रॉल की थी, और भाई यहाँ पे मैं मरते मरते पता भी भाई वाला बंदा भाई आपकी पेटी जरूर बना सकता, चाहिए आपके पास कोई सी भी गन हो। फिलहाल मैं ऐसे लूट करता, और लूट करने के बाद इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, जो कि पता नहीं यहाँ पे क्या करने की कोशिश करता। देखना ये वाला बंदा बिना गन के आ रहा था, और ये वाला बंदा सोचता कि मैं फ्लैंक करके भाई इस वाले मेरे को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये वाला बंदा भाई चुपके चुपके आ रहा था, लेकिन निपटा गया ये वाला बंदा भी। और ये वाले बंदे की पेटी लूटने के बाद यहाँ पे कुछ 18 बंदे बचे हुए थे, और मैं कहता था डुओ, और डुओ में आपको पता कि बंदे इतना ज़्यादा रैंक पुश कर रहे हैं तो आपकी पेटी बननी बहुत हार्ड हो जाती है, क्योंकि भाई आप बिल्कुल कैंप करके खेलते हो तो सामने वाले बंदे को मारने के लिए आपको बहुत सारी मुकसद करनी पड़ती है। फिलहाल ये वाला बंदा दिखता है मेरे को, ये वाला बंदे को तो मैं मार देता हूँ। बेचारा बंदा यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या कर रहा था, और निपटा दिया गया वाला बंदा भी। और जैसे वाले बंदे को मारा तो मैं जाता हूँ सीधा पहाड़ पे, और यहाँ पे आते सामने मेरे को दो बंदे दिखते हैं, और जिनमें से मैं एक बंदे को यहाँ पे गिरा भी देता हूँ, लेकिन बारी थी दूसरे बंदे की, और यहाँ पे ये वाला बंदा बचता था, लेकिन दूसरे स्प्रे में ये वाला बंदा नहीं बचने वाला, क्योंकि भाई ये वाले बंदे यहाँ पे बैठ के मेरे को बहुत देर से परेशान कर रहे थे, और निपटा दिए गए वाले बंदे भी। और यहाँ से मैं सीधे अपने गार्ड जाता हूँ, गार्ड उठाने के बाद मैं चला जाता हूँ सीधा नीचे की तरफ, क्योंकि वहाँ पे आया था ड्रॉप, और सामने भाई आपको पता है BRDM भी है, और भाई देखना वहाँ पे MK14+ भाई वहाँ पे एस्ट्रल के वाले बंदे मिलने वाले, तो निपटाएंगे उन वाले बंदे को भी। अभी फिलहाल मैं वाले बंदों के बीआरडी में बैठ जाता हूँ, क्योंकि भाई सामने वाले बंदे के पास MK14 भाई और एस्ट्रल की थी। मैं यहाँ पे बिल्कुल श्योर था भाई कि अगर मैं वहाँ पे जाता तो मेरी पेटी बननी थी, क्योंकि भाई दोनों के पास इतनी तगड़ी तगड़ी गन है, और मैं अकेला क्या कर लूँगा। तो देखना यही वो बंदे थे जिनको मैं एस्ट्रल के सेंड उठाऊंगा, तो भाई देखना वो वाले क्लच को देखना मत भूलना। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके इधर आता हूँ, और तभी मेरे को लेफ्ट साइड एक सीन दिखता है, राइट साइड, तो देखना ये वाला बंदा यहाँ पे क्या कैंपिंग कर रहा था बैठ के, भाई कोई बंदा ऊपर ना आए। डो में अगर आप रैंक पुश कर दे भाई ऐसे ऐसे सीन आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी दो बंदे थे, हालांकि मैं ऐसे निकल जाता हूँ सामने की तरफ, और यहाँ पे देखना यहाँ पे मेरी पेटी बनते बनते बची। अगर मैं यहाँ पे भाई इससे BRDM से नीचे ना उतरता तो मेरी पता है भाई BRDM में ही पेटी बन जाती, और क्या करता इस वाले गेम में भाई चिकन नहीं निकलता। और देखना यहाँ पे मैं आया, सामने वाले बंदे ने भाई M249 से भाई धुएं निकाल दिए इस वाली गाड़ी में, और गाड़ी में धुएं निकाले थे तो भारी थी इस वाले बंदे को भरने की। तो मैं सीधा जाता हूँ इसके ऊपर बंदे के, भाई देखना M4 का ऐसा कैडा स्प्रे दूंगा कि वाला बंदा दोबारा पिक नहीं करेगा, और देखना निपटाएंगे इन वाले स्क्वाड को भी। लेकिन तभी मेरे को थर्ड पार्टी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते डुओ में, और देखना यहाँ पर थर्ड पार्टी भी होती है, तो बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक टाइम के लिए तो मैं मर ही गया था, क्योंकि अब देखना मेरे को पीछे से इतना कड़ा स्प्रे आता है, और भाई जब मैं उस बंदे पे फायर करा था तो मेरा फायर रेट यहाँ पे रुक गया था, पता नहीं सस्ते ना से भाई पबजी के कब जाएंगे, और घुस के निपटाते हैं वाले बंदे को भी, तो देखना बस। और ये वाला सीन आप लोग भी कर सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बोलते हैं इस चीज़ को, आप बंदे की पोजीशन देख सकते हैं। फिलहाल ये वाले बंदे यहाँ पे मोली वोली कर रहे थे, तो और मुझे बताते हैं कि लोकेशन, तो बस देखना निपटाते हैं वाले बंदे को भी। भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई ये वाले सीन को देखने के बाद आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा मुझे पता है। फिलहाल ये वाला क्लस किस किस को अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना भाई। नीचे देखो कैसे भाई भिखारियों की तरह ये बंदे नीचे इंतजार कर रहे मेरा कि कब
कर दीजिए उनका मेरी पेट बनाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ, अपना हेल्थ मारता हूँ। मुझे यहाँ पे सोचना था, मैं सोचा था भाई यहाँ पे हेल्थ मार के भाई अपना हील फाइट करते हैं, लेकिन मुझे समझ में आता नहीं भाई ये दो बंदे हैं और एक से अतरस कर देंगे निपटा देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक स्मोक कर देता हूँ सामने वाले बंदों पे और इनका रास्ता रोकना चाहता था, लेकिन भाई ये स्मोक तो गलती हो जाता। लेकिन तभी मेरे को सामने वाला बंदा दिखता है, ये बंदा पता नहीं यहाँ पे क्या करने की कोशिश करता है। और इतनी देर में मैं नीचे कूद जाता हूँ और टाइंग ये वाले बंदे को भी, और इसके साथ हम कर लेते हैं यहाँ पे चिकन डिनर। और भाई ये वाला गेम प्ले किस किस को चला कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे गेम प्ले पाने के लिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।